अच्छा एक बात बताओ, रेनबो पसंद है आपको? सोचो उसे अगर आसमान से उठा के किसी नदी में रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कतई जहर। अबे जहर नहीं जहर, थोड़ा फील करके बोल भाई। तू ना प्रोनाउंसिएशन की क्लास लिया कर मुझसे भाई, तभी फीलिंग आएगी। है बोलते एक बार जहर, फील करके बोल जहर। बहुत खूबसूरत लगेगा, ये कोई एडिटिंग नहीं है, ऐसा सच में एक नदी में होता है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया महाद्वीप पर ऐसी एक नदी है जिसका नाम है कान्यो क्रिस्टालेस। ये स्पेनिश नाम है जिसका मतलब होता है क्रिस्टल चैनल। लेकिन आप ये मत सोचना कि पानी का कलर ऐसा होता है यहाँ पर, जी नहीं। इस नदी में एक खास तरीके का पौधा होता है, नाम है मैक्रिना क्लेविगेरा, क्लेविगेरा ऐसा ही कुछ। हाँ, तो पॉइंट ये है कि उस पौधे के रंग ऐसे अलग अलग होते हैं, उसकी वजह से ये पानी कलरफुल लगता है। सितंबर से नवंबर तक ऐसा नजारा होता है यहाँ पर, पूरे साल ऐसा नहीं होता है। बाकी के महीने में ये नदी नॉर्मल नदी जैसे ही दिखती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ रेनबो उतारा है भाई साहब, हम तो पूरे के पूरे बादल उतार देते हैं। आओ कभी दिल्ली फ्री होके ना धोके तो घुमाते हैं तुमको बादलों में। इग्नोर करो इसको, इग्नोर करते करते ही ये हालत हुई है नदी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला मीनिंगफुल लगा है तो एक लाइक कर देना वीडियो को। वैसे आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बताना। बाय, टेक केयर, जय हिंद।